हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर के पूर्व पीएम वाजपेयी के अंतिम संस्कार के दौरान सेल्फी लेने पर सोशल मीडिया में हो रही चर्चाओं पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने भी चुटकी ली है। नरेश ठाकुर ने सांसद अनुराग ठाकुर पर दिखावे की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। वहीं गत दो दिन पहले पूर्व पीएम वाजपेयी के अंतिम संस्कार के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा सेल्फी लिए जाने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊपर की राजनीति की है और ग्रास रूट पर काम करने में असफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद ने केवल हमीरपुर की जनता को केवल मात्र सपने दिखाए हैं और विकास कार्य करवाने में असफल रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि अनुराग ने केवल दिखावे की राजनीति करते आए हैं। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो आज देश ने उनको खोया है, उनकी उनका जो उनके कारण आज इस देश में उनके जो बताए हुए मार्गदर्शन थे जो उन्होंने इस देश के लिए किया है, आज उनकी उनके जो जगह है वो कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बड़े नेताओं की बात है, जैसे हमारे माननीय सांसद जी आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है कि वो सेल्फी खिंचवाते हुए पाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर आज तीन बार वो यहाँ से सांसद चुनकर जा चुके हैं, परंतु वो सिर्फ ऊपर की राजनीति करते हैं, परंतु जो ग्रास रूट पर लोगों के जो कार्य हैं उनको परिपूर्ण करने के लिए वो पूरी तरह से असफल हुए हैं। और आज तक उन्होंने सिर्फ हमेशा वीरपुर लोकसभा के जो जनता है उनको सिर्फ झूठे सपने दिखाए हैं, चाहे वो रेल को लेकर हो, चाहे वो हवाई जहाज पट्टी को लेकर हो, चाहे और अन्य भी विकास कार्य हों, वो पूरी तरह से असफल रहे हैं। और आज तक उन्होंने अपने माननीय जो हमारे हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं वो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, परंतु धरातल पर उन्होंने कोई भी एक ऐसा कार्य किया है तो वो आज इस जनता को बताएं कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए किया है। और मैं तो ये भी पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से कि वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि रेल लाएंगे हमीरपुर में, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो हवाई पट्टी बनाएंगे, और ना जाने वो कितने यहाँ के युवाओं को नए नए सपने दिखा चुके हैं, परंतु आज तक पूरे जितना भी कार्यकाल रहा वो पूरी तरह से असफल रहा है। और इस बार निश्चित तौर पर हमीरपुर लोकसभा से कांग्रेस जो है अपनी जीत सुनिश्चित करेगी और आने वाले कल में जो संगठन जो है मजबूती के साथ काम करेगा, और जो 2019 के जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं उसमें हमीरपुर से निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करके जाएगा। वहीं पूर्व पीएम वाजपेयी के अंतिम संस्कार के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा सेल्फी लिए जाने पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप पठानिया ने कहा कि अंतिम संस्कार के समय सेल्फी लेना गलत है। उन्होंने कहा कि मौत पर सांसद दुख में शामिल होने गए थे या सेल्फी लेने। उन्होंने कहा कि इस हरकत से पता चलता है कि सांसद अनुराग ठाकुर को पूर्व पीएम की मौत का दुख नहीं, वह केवल मात्र दुनिया को अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। चलो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारा जो समाज है इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता है और नहीं करना चाहिए। अब मौत के ऊपर सेल्फी लेने का क्या मतलब है? आप किसी के दुख में शामिल हो रहे हैं और सेल्फियाँ ले रहे हैं, इसका मतलब दुख नहीं है उनको। वो तो सिर्फ अपना जो वो चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं और अपने चेहरे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े राजनेता हैं और जो उनके साथ सेल्फियाँ खींच रहे हैं, ये एक गलत बात है। हम चाहते हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीति करो, राजनीति भी हो, लेकिन कम से कम सामाजिक जो है उसका भी ध्यान रखें। और सेल्फी बनना खींचने से कोई नेता नहीं है, ना हो सकता है। नेता होगा जो लोगों के साथ बीच में रहे और लोगों के अनुसार काम करे, झूठ के सारे नहीं नेता बनेंगे।